वेलकम टू द चैनल ज्ञापन एकेडमी। यह वीडियो नॉन हिंदी का है, लेसन 21। यह चैप्टर काफ़ी लंबा है, लेकिन फिर भी इस चैप्टर को शॉर्ट करके हम यहाँ पे दिखाने की कोशिश किए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को कम दिख रहा होगा, लेकिन इस पूरी की पूरी क्या इसमें कहानी है, इसके बारे में हम थोड़ा सा विवेचना कर देते हैं, यानी इसके बारे में हम बता देते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है चिकित्सा का चक्कर। आजकल सबसे ज़्यादा इसी का बिजनेस देख रहे हैं आप, चल रहा है। ये एक प्रकार का चिकित्सा जो है व्यापार हो चुका है, और इसमें सिर्फ चिकित्सा का नहीं, डॉक्टरी का चक्कर, हॉस्पिटल का आप चक्कर हमेशा लगाते फिर रहे। कोई डॉक्टर कुछ दवाई सजेस्ट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हर प्रकार के लोग भी, अगर लोगों से आप मिल रहे हैं, आप अगर बीमार हैं और पीड़ित हैं तो दूसरे व्यक्ति से अगर आप मिल रहे हैं, ठीक है, तो अलग अलग प्रकार का वो आपको राय देगा। यहाँ चले जाइए, उस डॉक्टर से दिखाइए, ये डॉक्टर अच्छा है, किसी बढ़िया आयुर्वेदिक डॉक्टर से दिखाइए, या फिर कोई औषधि का इस्तेमाल कीजिए, या फिर आप पर कोई बुरी साया है, इस टाइप का सैकड़ों इलाज वो खुद दे देते हैं, ठीक है। उसी के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। चिकित्सा का चक्कर, लेखक का नाम देख लीजिएगा यहाँ पे, बेढब बनारसी है, ठीक है, याद रखिएगा लेखक का नाम, ठीक है, चिकित्सा का चक्कर। अब देखिए इसमें चिकित्सा के बारे में क्या बात किया गया है, चिकित्सकों के वेशभूषा, यानी कि जो उसमें चिकित्सक होते हैं, डॉक्टर लोग जो होते हैं, उनकी वेशभूषा कैसा होता है, उनके कौन कौन से नुस्खे होते हैं, यानी कि तरीके होते हैं, ठीक है, नुस्खे के बारे में बताया गया। औषधि निर्णय के तर्क, और औषधि जो भी दवाइयाँ हैं उस पर तर्क किया जाता है कि कौन सा दवाई चलाया जाए, किस बीमारी में चलाया जाए, उसी के बारे में इस लेसन में पूरा डिस्कस किया गया है। देखिए, एक लेखक हैं जिनकी उम्र है यहाँ पे 35 वर्ष, याद रखिएगा लेखक की उम्र 35 वर्ष, शरीर से काफ़ी हट्टे कट्ठे ये हैं, ठीक है, यानी इनके अंदर किसी प्रकार देखने में लगेगा किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, ठीक है। लेकिन देखिए, कभी कभी कुछ लोगों को किस प्रकार से शौक होता है, इसलिए इन लेखक कभी अपने लग रहा है कि होश में बीमार हुए ही नहीं है, तो ये सोच रहे हैं कि काश हम भी बीमार पड़ते, लोग आते और आकर के और हमको देखते, ठीक है, देख करके थोड़ा सा श्रद्धा भाव से, थोड़ा सा चेहरे पर उदासी ला करके और दिलासा देते कि अच्छा कोई बात नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब ठीक हो जाता, थोड़ा सा प्यार से लोग बोलते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ का इनको शौक लगा हुआ है, किनको, लेखक को, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि हट्टा कट्ठा पर बीमार होने की इनको इच्छा है, ठीक है, काफ़ी ये चाहते हैं कि बीमार हो जाए, लोग आए, ठीक है, या फिर घर में जो भी लोग हैं, मतलब बाल में जो तेल डाला जाता है, जैसे कि देखिए बाल में तेल डालने के बाद लग जाता है आदमी की बीमार है, ऐसे ही मतलब लुक हो जाता है, तो उसी प्रकार का ये चाहते हैं, ठीक है। देखिए, एक दिन होता क्या है कि हॉकी खेल के ये घर वापस आते हैं, ठीक है, जब ये हॉकी खेल के घर वापस आ रहे हैं, तो आने के बाद से ये फ्रेश होकर के स्नान, हाथ पैर धो करके और स्नान करके, ठीक है, और मतलब शाम के वक्त ये अपने घर पे आते हैं, और इनके घर में ये आदत होता है कि शाम के वक्त ये लोग खाना खा लेते हैं, ठीक है। इनकी श्रीमती समझिएगा, इनकी पत्नी ने भोजन के लिए कहा, तो ये बोला कि नहीं, हम लंच मतलब वहाँ से करके आएँ, रिफ्रेशमेंट का जो भी ये नाश्ता थोड़ा सा ज़्यादा ही हम कर लिए हैं, ठीक है, ये बात बोले हैं। बोले ठीक है, उनकी पत्नी बोले कि अच्छा है, रिफ्रेशमेंट का नाश्ता कर लेंगे, फिर भी कुछ खा लीजिए, तो बोले चलिए, मतलब अपनी पत्नी का बात नहीं काटते हैं, ठीक है, और भोजन कुछ हल्का कर लेते हैं। देखिए कितना हल्का ये भोजन करते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए, भोजन में ये हल्का करते हैं तो क्या करते हैं कि 12 पूड़ी खाते हैं, ठीक है, और आधा पाव मलाई खाते हैं, ठीक है। बोले कि बस हल्का भोजन है, ज़्यादा तो खाना नहीं है, ठीक है, और प्रसाद, यहाँ पे प्रसाद जी के यहाँ से कुछ मिठाइयाँ, रसगुल्ले वगैरह आए थे, तो 6 रसगुल्ला खा लेते हैं, वो भी छोटे साइज के नहीं थे, बड़े बड़े थे, ठीक है, तो इतना खा लेते हैं। अब देखिए, खाने के बाद से काफ़ी ज़्यादा जब इनका पेट भर जाता है, उसके बाद चारपाई पर ये लेट जाते हैं। जब ये चारपाई पर लेट जाते हैं, तो जैसे ही मतलब अब तो शाम का समय था ना, तो जैसे ही रात हो गया, भोर में 3 बजे समझिएगा, एकदम सुबह 3 बजे, ठीक है, इनके पेट में दर्द शुरू होता है, हल्का हल्का दर्द शुरू हो जाता है। जब दर्द शुरू हुआ, तो घर में देखिएगा, हर एक घर में कोई ना कोई पेट दर्द या पेट के सिलसिले में कुछ ना कुछ लोग पाचक रखते हैं, या फिर कुछ ना कुछ उसका इलाज करने के लिए, छोटा मोटा ट्रीटमेंट के लिए औषधि जरूर रखते हैं, ठीक है। इनके भी घर में था, कहा जाता है कोई कोई ऐसा दवा होता है जो सब बीमारी में ही काम आता है, ठीक है, तो यहाँ पे औषधि का राजा जिसको बोलते हैं, रोगों का रामबाण, ठीक है, रात से पीना शुरू कर दिए, और पीने के बाद से, ठीक है,
सुबह हो गई, लेकिन सुबह होने के बावजूद भी पेट का दर्द इनका आराम नहीं हुआ, यानी सीसी समाप्त हो गई लेकिन दर्द गायब नहीं हुआ। अब देखिए, अब लगा कि इनको डॉक्टर को बुलाना ही पड़ेगा, चिकित्सक को किसी तरह बुलाना ही पड़ेगा। सुबह इन्होंने डॉक्टर को बुलाने के लिए भेजा। डॉक्टर साहब, ऐसे डॉक्टर साहब आए जैसे कि लग रहा था प्रिंस ऑफ वेल्स हैं, यानी कि लग रहा है कि वेल्स के क्या है, राजकुमार हैं। एकदम कोट वगैरह चढ़ा करके, चश्मा लगा करके और जूता एकदम मोजा के साथ बहुत स्मार्ट लुक में आए, ठीक है। और आने के बाद उन्होंने बोला जुबान दिखाइए। जैसे डॉक्टर आते हैं तो क्या करते हैं, हाथ चेक करते हैं, बोलते हैं मुंह खोलिए, ठीक है, तो जुबान दिखाइए। और ये थोड़ा सा यहाँ लेखक थोड़ा सा भावुक क्यों हो गया, थोड़ा सा देखिएगा। जब ये बोले कि जुबान दिखाइए तो ये अपना जुबान दिखा रहे थे, ठीक है, तो ऐसे जुबान की तरफ डॉक्टर देख रहे थे जैसे कि एक प्रेमी जैसे अपनी प्रेमिका के आंखों में ध्यान से देखता है, उसी तरह से ये इनके जुबान को यानी मुंह में झांक रहे थे। कौन? डॉक्टर साहब। यहां देखिए, अब देखिए, दो खुराक, अब बोले कि दो खुराक दवाई देंगे सब ठीक हो जाए, एकदम समझिएगा आपका मतलब पूरा का पूरा दर्द रफू चक्कर हो जाएगा, ठीक है, यानी ऐसे गायब हो जाएगा दर्द जैसे कि हिंदुस्तान से सोना गायब हो गया है, उसी तरह आपका दर्द भी आपके पेट से गायब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मुंह में ध्यान से देखे हैं। कैसे देखे हैं? तो एक प्रेमिका की तरह देखे हैं, जैसे कि एक प्रेमी प्रेमिका को देखता है। अब देखिए, चंद्रकला फार्मेसी से दवा जा करके ला लीजिएगा, ठीक है, और गुनगुने पानी करके सेकिएगा। ये बोल दिए कि जाइएगा दवा का दुकान है वहाँ पे जा करके, और आप क्या कीजिएगा कि दवा ले लीजिएगा, और दवा लेने के बाद से गर्म पानी से इसको अपने पेट को सेकिएगा। अब ये बेचारे ये नुस्खा करने लगे, रिजल्ट क्या हुआ, ठीक है, दवा भी ख़त्म हो गया और पेट को सेकते सेकते पेट पर छाले भी पड़ गए, लेकिन फिर भी इनका दर्द दूर नहीं हुआ। इन्हीं को तो इच्छा थी बीमार पड़ने की, तो अब बीमार ये पड़े हैं, ठीक है, और पेट में छाले भी पड़ गए। अब देखिए, दर्द बढ़ता ही जा रहा था, ठीक है, अब जब दर्द बढ़ने लगा तो गांव के दो चार लोग जाने कि इन मतलब लेखक का तबीयत खराब है, तो लोग मिलने के लिए आ गए। घर में मेला लग गया, जिस चीज़ का इनको शौक था वो शौक इनका पूरा हो रहा था। सारे लोग काफ़ी श्रद्धा भाव से, मतलब ऐसा लग रहा था कि रो देंगे, उस भाव से ये लोग देख रहे थे, ठीक है, और देखने के बाद से सभी लोग भावपूर्वक और प्रेमपूर्वक इनको देख रहे थे और दिलासा दे रहे थे, टेंशन मत लीजिए सब ठीक हो जाएगा। आने जाने वालों ने, जो भी लोग आते थे, अलग अलग प्रकार का राय दे करके, सजेशन दे करके, ज्ञान दे करके जाए थे, यहाँ दिखाइए, ये नुस्खा आजमाइए, ठीक है, अलग अलग प्रकार का अपना अपना औषधि के बारे में सब लोग बता करें। गाँव में तो अक्सर यही होता है कि कोई बीमार पड़ा है तो सब लोग आते हैं और राय देने लगते हैं कि यहाँ दिखाइए, ये दवा इस्तेमाल कीजिए, अच्छा हो जाएगा, बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा, होम्योपैथ का दवा इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, छोटी गोली है पर काम बहुत ज़्यादा करेगा। ये बहुत अलग अलग प्रकार का नुस्खा देखा है, जैसे कि कोई बोला कि हींग पिलाओ, कोई बोला चूना खिलाओ, ठीक है, तो इस प्रकार की बहुत सारी बातें लोगों ने राय दिया। अब देखिए, अब इससे कुछ नहीं बनने वाला है और ये डॉक्टर साहब भी फेल हो गए, तो अब नया डॉक्टर, बहुत लोग राय दिए कि काम कह नहीं करते हैं, दूसरे डॉक्टर को दिखाइए जो अच्छे हों, ठीक है, तो एक नया डॉक्टर है, डॉक्टर का नाम देखिएगा, चूहानाथ कातरजी, इनका नाम देखिए क्या है। अब देखिए, ये चूहानाथ कातरजी तो नाम तो अनोखा है, अब इनके माँ बाप ने रखा होगा, कोई नाम अच्छा नहीं मिला होगा तो ऐसे ही डॉक्टर साहब का नाम रख दिया होगा, चूहानाथ कातरजी। इसमें हम लोगों को कुछ नहीं करना है। इनका फीस था 8 रुपये और 1 रुपया मोटर का किराया भी अपना लेते थे। ये लंदन से MBBS किए थे, ठीक है, और याद रखिएगा, रात में सभी डॉक्टरों की फीस बढ़ जाती है, ठीक है, तो रात का अलग से पैसा लगता है, ठीक है, तो रात में इनका फीस भी बढ़ जाता है, लेकिन ये जो जैसा नाम वैसा काम, ठीक है, कुछ हद तक अच्छा काम किया। कार्य क्या, सबसे पहले आते आते ये भी वही बोले कि गर्म पानी लाइए, और गर्म पानी लाए और बोले कि जब तक गर्म पानी ला रहा है आप मार्केट से जा करके और दवा ला लीजिए। जब वहाँ से दवा आ गया तो इन्होंने एक अपनी पिचकारी निकाली, उसमें सुई कसा, यानी कि इंजेक्शन जिसको बोला जाता है, और उनको लगा दिया, ठीक है, और दवा देने के बाद से इनको क्या हो गया, लेखक को नींद आने लगा और लेखक सो गए। सुबह उठने के बाद से कुछ हद तक, ठीक है, इनको काफ़ी कंफर्टेबल फील हुआ, आराम महसूस हुआ, ठीक है, तो ये काफ़ी खुश थे कि चलो भाई मेरा इलाज हो रहा है। 2 हफ्तों में स्वास्थ्य इनका बहुत अच्छा हो गया, ठीक है, और जब अच्छा हो गया तो सोचे 15 दिन के बाद से जाके डॉक्टर साहब को मिल करके और धन्यवाद दे दें। जब ये डॉक्टर साहब को मिलने के लिए उनके घर गए, ठीक है, और उन्हें धन्यवाद देने के लिए, वहाँ से वापस आए, ठीक है, तो यहाँ देखिए, डॉक्टर रहतीत, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ सेंटेंस
में ये डॉक्टर साहब राय क्या दिए हैं आप थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पे बोले हैं कि ठीक है, जैसे ये पूछे हैं कि हमको क्या बीमारी थी, तो ये बोले हैं कि देखिए बहुत मतलब आप खुश नसीब हैं कि आपकी पत्नी पहले हमको इन्फॉर्म करके बता दी, ठीक है, क्योंकि आपको क्या है जैसे अपेंडिस लोग नहीं बोलते हैं, वही यहाँ पे लिखा है अपेंडिसाइटिस आपको हो गया था, ठीक है, यानी कि ये बीमारी का नाम। अब ये जो लेखक थे ये नाम सुन करके थोड़ा सा चक्कर खा गए, ये कौन सी बीमारी है, लग रहा है कि और सभी इस डॉक्टर जो भी हैं जो भी हमारा इलाज किया इस बीमारी के बारे में तब नहीं जानते थे, कहीं हो सकता है कि चूहा नाथ ही जानते हो, ठीक है, इसके बारे में कतरी जी ही माने क्या है जी कतरजी ही जानते हो कि ये कौन सी बीमारी है, यही इसके बीमारी के बारे में जानते हो, ये इनके दिमाग में ख्याल आया। लेकिन फिर भी बोले कि अपने सेहत पर ख्याल रखिएगा, ठीक है, और एहतियात बर दिया मतलब कि एहतियात बरतने का मतलब होता है, ठीक है, अपना ख्याल सही से रखिएगा क्योंकि अगर फिर से बीमारी हो तो परेशानी हो सकती है। एक सप्ताह भी नहीं बीता था कि इनका सिर दर्द और बेचैनी शुरू हो गया, यानी सिर दर्द शुरू हो गया, सिर दर्द इतना तेज कि उनके अंदर बेचैनी छा गया, इनको नींद नहीं आता था, सिर्फ करवटे बदलते थे, इस करवट से उस कदर। जब हमको किसी प्रकार का दर्द या परेशानी होती है तो हम लोगों को कहाँ नींद आता है, हम लोग सिर्फ करवट बदलने में ही परेशान रहते हैं और रात कट जाती है, ठीक है, काफ़ी परेशान थे, पूरा बेचैनी इनके शरीर में था, किसी तरह इनको इलाज की ज़रूरत थी। घर में सभी लोग परेशान हो गए थे, जो भी लोग आ भी रहे थे देखने सुबह में, वो लोग एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे थे क्या किया जाए, अलग अलग सारे लोग राय, तो गांव के लोग हैं तो राय तो देंगे ही, या फिर घर पे ही जो लोग हैं राय दे रहे थे कि यहाँ दिखाइए इस डॉक्टर को, नया नया डॉक्टर का राय। लेकिन घर में वार्तालाप के बाद, ठीक है, एक निष्कर्ष निकला कि कविराज पंडित सुखदेव शास्त्री को बुलाया जाए और उनसे इलाज कराया जाए। अब पंडित जी जो आएंगे तो किस प्रकार का इलाज करेंगे अपने औषधि का, ठीक है, वहाँ आप लोग देखिए। यहाँ पे अब देखिए, एक लीप नौ विपल में शनि बाहर, यानी एक लीप नौ विपल में शनि बाहर, ये बोल रहे हैं कि इन पर शनि देव का, ठीक है, शनि ग्रह का क्या है प्रकोप है, और डेढ़ धरी एकादशी का योग है। ये पंडित जी लोगों का जो भी यहाँ पे पत्रा में, या फिर नहीं बोलते कि शनि का प्रकोप है, ये जग कीजिए, वो जग कीजिए, ये पूजा कीजिए, इससे ठीक हो जाएगा, ठीक है, ये सब लगे अपना बताने, लेकिन ये बात किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या बोल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, और ये बता करके बोले कि हम एक हफ्ता के बाद आएंगे जब इस ग्रह का प्रकोप खत्म हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि ये बोल कर गए हैं तो लेखक ना भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन जैसे ही ये ना बोलेंगे तो सब लोग बोलेगा क्या कि उन गांव की और घर की जितनी भी औरतें हैं बोले कि एक बार दिखा लेने में क्या हर्ज है, दवा भी चलाइए और इधर उधर भी दिखा लीजिए, लोग ऐसा कहते हैं। अब देखिए, एक हफ्ता के बाद बैद जी आए, बैद जी का लुक देखिए आने का, पालकी पर बैठ करके, ठीक है, और उस समय कंधे पर एक प्रकार का उजला दुपट्टा लेकर के, ठीक है, और जनेऊ जो उजला धागा यहाँ पहना जाता है, ठीक है, पंडित जी लोग आप देखे होंगे, ठीक है, पहन करके और वहां पे आए, और यहाँ पे देखिए, और वहाँ हाथ पकड़ करके और 5 मिनट तक यहाँ के हाथ का नाड़ी देखते रहे, ठीक है, उसके बाद से अब क्या बोल रहे हैं, देखिए वायु का प्रकोप है, समझिएगा, वायु का प्रकोप है, यानी कि वायु इन पर छा गया है, यकृत में वायु घुसकर, ठीक है, पित्ताशय में प्रवेश की है, यानी कि यकृत में घुस करके और कहाँ गई है, पित्ताशय में प्रवेश की है। ये बात भी किसी को समझ में नहीं आई, ठीक है, कि ये क्या बोल रहे हैं, और इनका दर्द और बेचैनी बढ़ते जा रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है मेरे साथ, इतना परेशानी कि कोई डॉक्टर काम नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, तब तक कि उसमें एक सज्जन राय क्या देते हैं, यहां देखिएगा, एक सज्जन व्यक्ति बोले हैं कि देखिए एक काम कीजिए आप, ठीक है, आप क्यों नहीं किसी भारतीय डॉक्टर या हकीम से दिखाते हैं, ठीक है, अगर देश के बारे में आप सोच रहे हैं तो अपने देश के डॉक्टर और हकीम से दिखाइए, ठीक है। तो ये लेखक सोचे, डॉक्टर से तो यहाँ के हम दिखा लिए, अब बच गए एक हकीम से भी दिखा लेते हैं, क्या हर्ज है, कहीं उनका दवा काम कर जाए, दवा नहीं तो दुआ तो जरूर काम आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हकीम से दिखाए, हकीम आया, देखिए हकीम जब जो था देखने वाला, उसका वेशभूषा देखिएगा, पैजामा वगैरह पहना हुआ था और पैजामा पूरा ढीला पहना हुआ था, ऐसे जैसे कि दर्जी भी उसका सिलने वाला ईमानदार था, एक भी कपड़ा चुराया नहीं था, पूरा का पूरा उसी पैजामे में लगा दिया था, पूरा पैजामा ढीला था, और हकीम साहब इतने पतले थे, ठीक है, कि ऐसा लग रहा था कि किसी मरीज का इलाज करते करते अपनी चुस्ती और तंदुरुस्ती यानी फिटनेस उसको दे दिए और उसका पूरा का पूरा दुख का सिस्टम अपने ऊपर ले लिए हैं, यानी कि अपनी चुस्त क्या कहें तंदुरुस्ती
व्यक्ति मरीजों में बांट करके आए, इस प्रकार के इनका वेशभूषा था। यहां देखिए आते आते पूछे हैं, पहले सलाम किए हैं ये कौन लेखक, तो फिर बोले हैं मिजाज कैसा है। अब कोई भी आता है अगर तबीयत खराब है देखने के लिए तो हम लोग नमस्ते करते हैं जब, ठीक है, तो वो क्या करता है पूछता है कि आप कैसे हैं या फिर तबीयत आपकी कैसी है, ठीक है। तो ये बोला है कि बस जी रहे हैं, ठीक है, अपना पूरा दुख सुनाए हैं, ठीक है। तो बोला है कि ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, हम हैं ना आपको बचा लेंगे, ठीक है। अब देखिए उन्होंने भी क्या किया कि यहाँ पे नब्ज दिखाओ बोले, यहाँ पे नब्ज चेक किए और यहाँ पे देखो क्या बोले कि खुदा बंद करीम ने चाहा, यानी अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ खैरियत होगा, सब बढ़िया होगा, ठीक है। हम कुछ आपको औषधि लिख देते हैं, दवा दे देते हैं, यहाँ पे देखिए दवा लिख देते हैं, आप उसका मतलब वो ले लीजिएगा। अब यहाँ पे है सबकी चिंता, और यहाँ पे सबकी चिंता बढ़ने लगी, वहाँ पे इनका भी दवा काम नहीं किया, ठीक है। कुछ हद तक आराम रहा और फिर वो क्या हो गया, बीमारी बढ़ती ही जा रही थी और पेट का दर्द और अब तो सर का भी दर्द शुरू हो गया था। देखिए सर का दर्द इसलिए और ज़्यादा हो गया क्योंकि लोगों ने इतना उनको नुस्खा बता दिया था कि उस परेशान हो चुके थे, इसलिए सर दर्द भी उनको शुरू हो गया था। अब देखिए यहाँ पे सब लोग काफ़ी चिंता थे और सब लोगों ने अलग अलग सलाह दिया, ठीक है। कोई बोला लखनऊ चले जाओ, ठीक है, कोई बोला कि यहाँ दूसरे डॉक्टर को दिखाओ, ठीक है। जैसे ही लखनऊ जाने की तैयारी, या फिर कोई बोल रहा है कि एक्सरे करा लो, कोई बोला कि होम्योपैथ का दवा चला, होम्योपैथ में बहुत ताकत होता है, ठीक है। एक प्राकृतिक चिकित्सक जो थे, यानी प्राकृतिक जो चिकित्सक होते हैं, उन्होंने कहा कि एक काम कीजिए, अपने पेट पर मिट्टी लपेट करके और धूप में सुखाइए, पेट दर्द गायब हो जाएगा, ठीक है। ये नया अपना तरीका दिए हैं, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे पूछा गया है कि अलग अलग चिकित्सा देने के बाद, अब देखो तब तक ही इनके ससुर जी भी एक डॉक्टर को लेकर के आ गए, ठीक है। उस डॉक्टर को जब लेकर के आए तो डॉक्टर ने काफी इलाज किया, ठीक है, पूछा आप कैसे हैं, और उनका भी दवा वैसे असर नहीं किया, कुछ देर तक ठीक रहे लेकिन उनका भी दवा असर नहीं किया। अब देखिए तब तक कि कहीं से उनकी नानी की मौसी आ गई। अब देखिए यहाँ मेन शुरू होता है, गांव का नौटंकी कैसे शुरू होता है। देखिए नानी की मौसी आ गई और आकर के लेखक के मुंह के तरफ देखने लगी कि सोच रही थी कि आखिरकार क्या हो गया, और बोली कि हम जानते थे कि इस पर किसी बुरी शक्ति का साया है, इसको कहीं बढ़िया जगह दिखाइए। यहाँ देखिए लग रहा है कि किसी ऊपरी खेल है ये, कोई क्या किया है, जादू टोना इस पर कर दिया है या फिर चुड़ैल का प्रकोप है, ठीक है। आते आते बूढ़ी काकी ने यानी कि मौसी ने यही आकर के अपना नौटंकी शुरू कर दी, ठीक है, सब बात। और ये समझा रही है कि देखो बेटा तुम अच्छे बात हो कि पढ़े लिखे हो, लेकिन ये सब मानना चाहिए, हम लोग के घर में भी ऐसे ही होता है, लास्ट में कितनी भी पढ़ी लिखी महिलाएं क्यों ना हो, अगर किसी ढोंगी के जाल में आ जाए तो आपका बात कभी भी वो नहीं मान सकती है, चाहे उसके लिए आप कितना भी प्रयास कर लें। ये भी समझा रही कि देखो सब बात किताब में नहीं लिखा रहता है, कुछ हम लोगों जैसे ज्ञानियों से भी सीखा करो, ठीक है, उनकी मौसी का कहना था, ठीक है। अब बोली उनकी पत्नी की क्या दिक्कत है, अब देखिए वहाँ पत्नी भी अब समझने लगी, अब ये नानी के झांसे में आ गए, बोली कि क्या दिक्कत है, ठीक है, दिखा लेने में क्या, दवा भी चलाइए और दिखा भी लीजिए, लोगों का बात मानते क्यों नहीं है आप, ठीक है। अब ये हार करके और फिर बात माने और बोले कि चलते हैं तब अच्छा डॉक्टर से लखनऊ दिखाने के लिए, ठीक है, लखनऊ जाएंगे तो वहाँ पे अच्छा इलाज हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए जैसे ही लखनऊ जाने की तैयारी हो रही थी, ठीक है, तब तक फिर एक कोई उनके चाहने वाले, ठीक है, एक डॉक्टर लेकर के आ गए, माने लोगों का प्रयास तो जारी रहा है ना, ठीक है, डॉक्टर लेकर के आ गए, डॉक्टर बोला कि मुंह दिखाओ, ठीक है। जैसे ही वो मुंह दिखाए मतलब हंसी आ गया, ठीक है, और बोले कि आपको किसी प्रकार की ज़्यादा भारी बीमारी नहीं है, आपको पायरिया है जो दांतों में हो गया है, और दांतों से जब आप खाना खाते हैं तो उसी के साथ जो जहर अंदर जाता है उसी के वजह से पेट दर्द हो रहा है, ठीक है। आप क्या कीजिए कि अच्छे दांत के यानी दंत चिकित्सक के जाकर के दिखाइए, ठीक है, दांत के डॉक्टर से दिखाइए। जब ये दांत के डॉक्टर से गए दिखाने के लिए तो डॉक्टर ने सलाह दिया, अपना एक लंबा सा लिस्ट दिखाया कि कितने दांत अगर उखाड़ा जाएगा माने निकाला जाएगा हटाया जाएगा तो कितना पैसा लगेगा, दांत को फिट कराने में कितना पैसा लगेगा, पूरा अच्छा से सर्जरी कराने में पूरा डेटा उनको बता दिया। ये बात अपनी आ करके बीवी से बोले, ठीक है, यानी श्रीमती से, कि डॉक्टर ऐसा ऐसा बोल रहा है, ठीक है, लोग भी कुछ सजेशन यही दे रहे हैं, ठीक है। तो इनकी बीवी ने बोला कि देखिए सबसे पहले एक बात समझ लिए, अगर डॉक्टर बोल रहे हैं दांत उखड़वाने के लिए तो आप दांत उखड़वा रहे हैं, कोई बोलेगा बाल उखड़वाने के लिए वो बाल उखड़वाइएगा, कोई बोलेगा आँख डोनेट कर दो तो वो आँख दे दीजिएगा, लोगों के झांसे में मत आइए,
ठीक है, ये पेट का प्रॉब्लम आपको आपके वजह से हुआ है, ठीक है, अपने खान पान पर कंट्रोल कीजिए, ठीक है, अपने खान पान को सही से मतलब सही रूप में ढालिए, फिर आपका स्वास्थ्य कभी नहीं बिगड़ेगा। याद रखिएगा कि पूरे जिंदगी में अगर किसी भी वजह से आपका तबीयत खराब हो रहा है तो हमारे लापरवाही के वजह से होता है। हम लोग अगर छोटा सा मिस्टेक करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य उससे खराब हो सकता है, ठीक है। ये उनको काफी ज्यादा, उनकी पत्नी श्रीमती जो है, ठीक है, श्रीमती ऐसे बोल रहे हैं, उन्होंने क्या किया, इसको समझाया है। आप भी देखिए कि खाना खाने के बाद से इन्होंने हल्का खाना खाया, पहले तो इनकार कर रहे थे, ठीक है, फिर 12 को पूड़ी खाए हैं, रसगुल्ला खाए हैं, 6 रसगुल्ला, वो भी बड़ा बड़ा, इससे तो तबीयत खराब होगा ही, अलग अलग प्रकार का चीजें खाएंगे तो तबीयत तो खराब होगा ही। तो उम्मीद करते हैं कि ये लेसन आपको समझ में आया होगा, और ये समझना कुछ नहीं है, बस जनरली अगर हम लोग सोचे कि हमारे ज़िंदगी में जब एक इंसान का तबीयत खराब होता है तो लोग किस किस तरीका से राय देते हैं अलग अलग, और वहाँ पे महिलाओं का क्या योगदान रहता है, वो किस प्रकार से आ करके और कहती है कि ये किसी बुरी शक्ति का प्रभाव है, तो इस झांसे में नहीं आना है। हम ये नहीं जानते हैं कि बुरी शक्ति होती है या नहीं होती है, लेकिन आप सिर्फ ये जानिए कि आपको तबीयत खराब है तो अच्छे डॉक्टर से सलाह आप लीजिए, और अपने सेहत का सबसे पहले आप खुद ख्याल रखिए। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।